बढ़िया से पहले भाई के साथ हुई थी सर जी, ठीक है, फिर वो खत्म हो गए तो अगली क्या बोलते हैं। नरेश जी क्या मामला है, आप बच्ची को लेकर के चढ़ गए थे पूल पे, क्या मामला है? दो महीने से गायब है और माता पिता उसके मन में नहीं रहे, फोन लगाता हूँ पता बता नहीं रहे, हॉस्टल में काम करा रहे हैं उसको, या बच्चे भूखे हैं उनके लिए काम करने जाऊँ या उनको खिलाऊँ पिलाऊँ। कितने बच्चे हैं तुम? चार बच्चे हैं, दो बड़े भाई के हैं, दो मेरे बच्चे हैं। बीवी कहाँ लापता होगी कुछ मालूम? मैनपुरी में। मैनपुरी में किसके पास? माता पिता के पास। अच्छा, आ नहीं रही है, नहीं आ रही है, आने नहीं दे रहे, वो बातें नहीं कराते हैं रजनी से। अच्छा, बीवी से बातें नहीं करा रहे हैं बिल्कुल, ना खुद बात कर रहे हैं, फोन स्विच ऑफ कर ले। कितना समय हो गया आपकी बीवी? दो महीने हो गए, पिछले 11 तारीख को गई, अब इस 11 तारीख को दो महीने हो जाएंगे। मायके क्यों चली गई, कोई विवाद हो गया था? कहा कुछ नहीं, एक बच्ची को तांस रहा था मैं, बस उसके बीच में बोल गई थी, मैंने ये कहा था कि जब बच्ची बोलने लायक है कहने लायक है तो तुझे क्या ज़रूरत है, बस इतना कहने पर ही रात को भी गालियाँ दी। फिर मैं रात को मामा के यहाँ चला गया, रात को 9-10 बजे आया, आके सो गया, तो सुबह मैंने बोला कि मैंने रोटी वोटी बना ले, काम पर जाएंगे कि अपने आप बना ले, अपने आप खा ले, पल्ली तरफ खाया, भाभी से अब लगा दिया कि भाभी से लग रहा है, बस यही एक आरोप लगाती है, और एक पैसे भी लगाती है कि जो मेरे पैसे थे वो खा लिए इन्होंने, क्योंकि एक पैसे का दागी नहीं हूँ, मैंने खुद अपने हाथों से इमरजेंसी उसका इलाज कराया, 35-40 हज़ार रुपये मैंने अपने हाथ से उठाए, अभी माइंड को बुखार चढ़ गया था इसको और बच्चों को सबको दिखा के 10-12 हज़ार रुपये उठाए। आप बिजली के पोल पर चढ़ गए थे, यहाँ कौन लेकर आया आपको? यहाँ मुझे पुलिस गई थी सहायता के लिए। अच्छा, पुलिस लेके आई है, तो पुलिस ने क्या आश्वासन दिया है तुम्हें? किस कह रहे हैं कानूनी कार्रवाई जो करेंगे जो देखा जाएगा।